स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मैथ्स वोकेशन वर्क फॉर क्लास 3. सेकेंड पार्ट है आपका यूनिट नंबर 5 मल्टीप्लीकेशन. आपने यहाँ फिर इंदी ब्लैंक्स करने हैं. 2 6 क्या होता है? 2 6 12 होता है, वो यहाँ लिख देना है. इसी तरह आपने सारे टेबल्स को पढ़ना है और यहाँ पे आपने वो लिखना है जो 56 आता है. 14 के टेबल में 56 आता है, वहाँ पे यहाँ पे आपने वो 14 4 56, 3 9 27, ठीक है, 12 7 84. इसी तरह आपने बाकी खुद ही करने हैं ताकि आपको पता होगा आपको टेबल्स आने चाहिए, ठीक है. उसके बाद आपने करना है फाइंड द प्रोडक्ट. अब आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है. 2 2 4 2 4 8 8, 3 3 9 3 3 9, ये सारा आपने मल्टीप्लाई करके इसके आंसर राइट करने हैं. इसी तरह आपने ये भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लेने और सही तरीके से सॉल्व करने, गलतियाँ ना हो, टेबल सही तरह से लर्न करके सही तरह से इसको सॉल्व करना है आपने. ये भी इस तरह करना है आपने और ये भी आपने मल्टीप्लाई वाले. यहाँ जहाँ जीरो से मल्टीप्लाई होगा वहाँ जीरो ही आएगा, ठीक है. यहाँ पे भी देखिए जीरो आ रहा है इसका आंसर, तो यहाँ जीरो ही आएगा. इस तरह ये आपने सारे सॉल्व कर लेने. यूनिट नंबर 6 डिवीजन है. अब आपके पास ये डिवीजन है 24 / 3, ये एक आपके लिए सॉल्व कर दिए. यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है. इसी तरह ये 12 / 3 / 4, तो यहाँ 3 आ जाएगा. इसी तरह आपने बाकी सॉल्व कर लेना है. यही ये भी इसी तरह करने हैं आपने, ठीक है, टेबल के ज़रिए. 35 / 7, तो यहाँ 5 आ जाएगा. 25 / 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा. 32 / 4, तो यहाँ 8 आ जाएगा. इसी तरह आपने ये भी सॉल्व कर लेने हैं. अब आपने यहाँ 2 डिवीजन फैक्टर्स लिखने हैं, डिवीजन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स, ये लिखने हैं आपने यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं और यहाँ पे कंप्लीट दीस आपने इसको डिवाइड कर लेना है. और यहाँ आपने क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने, ठीक है, क्वोशंट और रिमाइंडर. यहाँ पे आपने क्वोशंट का आंसर लिखना है और यहाँ रिमाइंडर लिख देना है. पहले इसको डिवाइड करना है, फिर जो क्वोशंट आएगा ऊपर इसमें लिख देना और रिमाइंडर इसमें लिख देना. और इसका भी आपने रॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वोशंट निकालना है, ठीक है. राइट वेदर द रिजल्ट विल बी इवन और ओड. इवन और ओड है ये आपने यहाँ लिखना है, इवन या ओड रिजल्ट. इसका ओड 125 है तो ओड रिजल्ट होगा, समझ आई. इसके बाद आपने क्वोशंट एंड रिमाइंडर यहाँ पे भी ऐसी करना है, डिवाइड करना है इनका और यहाँ रिमाइंडर लिखना है और यहाँ क्वोशंट लिखना है. और ये यूनिट नंबर 8 आ गया है मनी एज अ पैसा. इसमें पैसे के हिसाब से लिखना है. आर एस 16.00 है तो 1600 पैसा लिख देना आपने. आर एस 15.75 है तो 1575 पैसा लिख देना आपने. आर एस 22.21 है तो यहाँ पे आपने 2221 पैसा लिख देना है, ठीक है. हाउ एज रुपीज़ एंड पैसा, ठीक है. शो एज, शो आपने करना है एज रुपीज़ और पैसा में, ठीक है. 4560 पैसा है तो आपने इसको 45.60 रुपीज़ लिखना है, ठीक है. ऐसे करना है आपने. फाइंड द टोटल, आपने इसको प्लस करना है रुपीज़ को और पैसा को, और ये माइनस करना है. यहाँ प्लस करना है और यहाँ माइनस करना है. इसी तरह यहाँ पे आपने इसके प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है रुपीज़ और पैसा को. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसको आपने ऐड करना है. ग्राम को ग्राम के नीचे, किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे ऐड करना है. और यहाँ पे भी आपने माइनस करना है एक दूसरे के साथ. अब आगे हमारे पास फ्रैक्शंस, ठीक है. 7/10 है, 7/10 लिख देना है. 1/3 है, 1/3 लिख देना है. इस तरह आपने फ्रैक्शन को लिखना है. राइट फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, इनको आपने वर्ड्स में लिखना है. जैसे ये 7/10 लिखा हुआ था, इधर आपने लिखना है 1/6, 2/5, ठीक है. राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस, ये आपने न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर लिखना है. न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है. न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 8 है. इसी तरह बाकी सारे सॉल्व कर लेने आपने. चलें स्टूडेंट, आपका मैथ्स का लेक्चर सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है. आप इसको अच्छी तरह से कीजिएगा और लर्न राइट भी कीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा और स्टे होम एंड स्टे सेफ. ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.